यूपी में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान। राकेश टिकैत ने ओवैसी को घेरा है, पूछा है कि इन पर क्यों नहीं होता कोई केस। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। यहां एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। भाकिया नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना चाहिए।